हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, GTPL हैथवे की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में एनालॉग केबल टीवी, डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1745 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 9 की पी है, 29.4% है कंपनी की ROCE एंड 22.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 21.1%, एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 2.58% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं, एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 421 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 407 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 381 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ की ही इनकम जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 33 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर या तो फिर एंड ऑफ द कंपटीशन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुई है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुई है कंपनी की। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है प्रॉफिट ग्रोथ की तरह, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है इनकम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बाकी कंपनी की हर एक ग्रोथ, EPS ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो वीक ही निकल के आई है, कंपनी ने बेकार परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022।
FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 10 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी रिड्यूस होकर नेगेटिव 23 करोड़ की हो चुकी है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास जो कैश फ्लोज है वो अभी नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 75%, FIIs के अप्रोक्सीमेटली 10.5% एंड DIIs के 0.02%। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग निकल के आ रही थी 14.47% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर की क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो वीक निकल के आई है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अगर आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो तो कंपनी के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है कि ये कंपनी आगे चल के मतलब दिसंबर क्वार्टर में या तो फिर मार्च क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। अगर ये भरोसा है तो इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो देखो गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी केबल टीवी की बिजनेस करती है, केबल टीवी सर्विसेज प्रोवाइड, टीवी की बिजनेस नहीं सॉरी, केबल टीवी की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। चलो ब्रॉडबैंड सर्विसेज तो फिर भी ठीक है, लेकिन केबल टीवी सर्विसेज एक बैकडेटेड बिजनेस है, ये आपको भी पता है। अभी सब कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो जाता है, डिश टीवी आ गया। एंड अगर आप लोग गूगल करोगे तो केबल टीवी के जो यूज़र्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसके साथ साथ मतलब ऐसे में इस कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, सॉरी एक्सपेंड नहीं अपडेट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को इस कंपनी को अपडेट करना पड़ेगा, फ्यूचर प्रूफ बनाना पड़ेगा। एंड ये आपको भी पता है कि केबल टीवी फ्यूचर नहीं है, केबल टीवी सर्विसेज फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से होगा, आजकल टीवी भी इंटरनेट के माध्यम से ही देखा जाता है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर सकती है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को 5 से 10 साल आगे का सोचना पड़ता है कि 5 से 10 साल आगे क्या होगा इस कंपनी में। तो भरोसा है तो पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रोक्सीमेटली 120 रुपये से लेकर 125 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट वीक निकल के आई है एंड ये कंपनी ऑलरेडी अभी डाउन ट्रेंड में है। तो अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी 52-week लो से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी एज ऑफ नाउ स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में जा रखा है। एंड अभी कंपनी में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम सेलिंग ही होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम कैंडल रेड में है, बहुत ही कम ग्रीन कैंडल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो इसीलिए एज ऑफ नाउ स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। जब ये कंपनी फिर से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके बाद आप लोग इस कंपनी में एक प्रॉपर स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स। और रही बात शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब साफ है कि आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि आगे चल के ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए, ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 140-145 रुपये के प्राइस रेंज पर मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर कंपनी यहीं पे कंसोलिडेट करते करते ऊपर चली जाती है तो एटलीस्ट
155 रुपीज़ के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस, एंड आई गेस विद इन अ डे और टू ये कंपनी आप लोगों को 155 रुपीज़ के नीचे तो मिल ही जाएगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग guys, bye guys, and definitely guys, stay safe.